हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, बीए स्टडी पे आप सबका स्वागत है। और आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले यूनिट थर्ड के जो हम प्रोज एंड डिवाइसेस के जो आगे के पार्ट पढ़ रहे थे, ठीक है, उनमें से लाइक सिक्स पॉइंट्स, ठीक है, आगे के पार्ट्स में से सिक्स पॉइंट्स से हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की जो वीडियोज आपने नहीं देखी तो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट करते हैं सिक्स पॉइंट से। सिक्स क्या था हमारा? सिक्स था हमारा मूड। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था मूड क्या होता है, एक टेम्पररी फीलिंग जो थोड़े समय के लिए होती है, ठीक है। वो वाला मूड भी होता है हमारा, वो वाला मूड भी होता है, वो वाला भी मूड, अलग अलग मूड्स होते हैं हमारे, ठीक। सपोज करो, अब हम इसको पढ़ते हैं, जो बहुत अच्छी लाइन लिखी है, देखो, मींस अ टेम्पररी स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग्स। मूड इज अ क्लोजली रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ इफेक्ट एंड इमोशंस। कंसेप्ट ऑफ इफेक्ट एंड इमोशंस के इसके उससे क्लोजली रिलेटेड है ये, ठीक है। और एक टेम्पररी स्टेट ऑफ माइंड है फीलिंग के लिए। हमारा मूड जो होता है ना, बहुत टाइम टाइम पे फ्लक्चुएट करता है, आपने देखा होगा, चेंज करता है, वेरिएशंस होते हैं मूड के अंदर बहुत ज्यादा। कभी हमारा मन करता है मोमो खाने का, तो कभी हमारा मन करता है डांस करने का, कभी हमारा मन करता है पढ़ने का, कभी हमारा मन करता है, सारा तो मन का खेल है, मूड का खेल है, आप सबको पता है लाइफ में, है ना। तो मूड एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। और यही था मूड का एक बहुत अच्छा सा सिंपल सा डेफिनेशन। मूड मींस अ टेम्पररी स्टेट ऑफ माइंड, ये हमेशा टेम्पररी रहेगा। आपने देखा होगा कभी भी किसी का मूड हमेशा हर समय एक ही चीज करने का मन नहीं करता, फ्लक्चुएट होता है, देयर इज अ वेरिएशन, ठीक है। मूड मींस अ टेम्पररी स्टेट ऑफ माइंड, इसीलिए टेम्पररी स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, परमानेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। मूड इज अ टेम्पररी स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग्स, ठीक है। फीलिंग्स होती है मूड के अंदर बहुत सारी, ठीक है, अलग अलग, आपको अच्छे से पता होगा। मूड इज अ क्लोजली रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ इफेक्ट एंड इमोशन। जो इफेक्ट एंड इमोशंस का जो कंसेप्ट है ना, मूड उससे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाता है, ठीक है, क्योंकि वेरिएशंस होते हैं मूड के अंदर, इमोशंस होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक। अब एलिमेंट्स ऑफ मूड, एलिमेंट्स ऑफ मूड में सबसे पहले क्या है, एलिमेंट्स ऑफ मूड की बात करते हैं। हमारे पास चार दिए हुए हैं, ठीक है। पहले क्या है, सेटिंग, ठीक है, वो सेटिंग में सेटिंग, ठीक है। उसके बाद इमेजरी, उसके बाद टोन, फिर डिक्शन, ठीक। ये हमारे चार एलिमेंट्स ऑफ मूड है, सेटिंग, इमेजरी, टोन और डिक्शन, ठीक। अब आते हैं आगे, आगे क्या है, सेवेंथ। सेवेंथ क्या है हमारे पास, चलो इसको पढ़ते हैं, एनालॉजी। तो एनालॉजी क्या है, पहले हम इसको एक बार पढ़ते हैं, फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे आराम से। केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड, एनालॉजी हमें कहां से मिला है, ग्रीक वर्ड से मिला है। कौन से वर्ड से, एनालॉजिया, किस वर्ड से, एनालॉजिया। और ये दो शब्द को बनकर मिला है, दो शब्द को बनकर मिला है, कौन सा, एने और लॉगोस। कौन सा शब्द है, एने और लॉगोस, ठीक है, ये वाला शब्द, एने और लॉगोस, ठीक है। इन दो शब्द को मिलके बना है क्या, एनेलॉजी, ठीक है, एने और लॉगोस से। अब आओ इसका मीनिंग जान लेते हैं। एने का मतलब क्या होता है, एने का मतलब क्या होता है, एने का मतलब होता है अपॉन। एने का क्या मतलब होता है, अपॉन। एने का क्या मतलब होता है, अपॉन, ठीक है। और लॉगोस का क्या मतलब होता है, लॉगोस का, लॉगोस का मतलब होता है रेशियो। लॉगोस का क्या मतलब होता है, रेशियो, क्या होता है, रेशियो। तो एने का मतलब हुआ अपॉन, लॉगोस का मतलब हो गया रेशियो। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एनालॉजी केम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, ठीक है, एनालॉजिया, एने प्लस लॉगोस को मिलकर बना है। एने का मतलब होता है अपॉन, लॉगोस का मतलब होता है रेशियो, ठीक। अब नीचे आते हैं, व्हेन वी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट इट इज एन एनालॉजी। जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, एनालॉजी, ठीक है। जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करें, किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को, किसको, ऑब्जेक्ट्स को, किसको, ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ एनालॉजी, एनालॉजी के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। हमें दिए हुए हैं यहाँ पे नीचे चार टाइप दिए हुए हैं एनालॉजी के, हम पढ़ लेते हैं कि करके। पहला होता है मेटाफर, हम सबने पढ़ा है मेटाफर। फिर आता है सिमिली, फिर आता है एलोगरी, ठीक है। उसके बाद आता है पैराबोल, ठीक है। ये क्या है, टाइप्स ऑफ एनालॉजी, क्या है ये, टाइप्स ऑफ एनालॉजी, ठीक। तो एनालॉजी को हम इतने छोटे आसान शब्द में खत्म कर सकते हैं कि एनालॉजी क्या होता है, आई होप समझ में आ गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। एनालॉजी को हम एक और बार करते हैं, केम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड से आया है एनालॉजिया से, किसका, एनालॉजिया। इसको दो शब्द से मिलकर बना गया है, एना प्लस लॉगोस। एने का मतलब क्या होता है, अपॉन, लॉगोस का क्या मतलब होता है, रेशियो। जब हम दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं वहां पर क्या जाता है हमारा, एनालॉजी, ठीक है। इसको चार टाइप्स के होते हैं, ये कौन कौन से, मेटाफर, सिमिली, एलोगरी और पैराबल, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, एट्थ। अब हम करते हैं एट्थ, ये रहा
एनेक्डोट, एट क्या हमारा एनेक्डोट, एनेक्डोट आ जाओ। अब इसको करते हैं, ये जो वर्ड है एनेक्डोट, एनेक्डोट कहां से आया, केम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, ये भी कहां से आया, ग्रीक वर्ड से, ठीक है। और जो वर्ड है किससे आया है, एनाकोडा, किससे आया है, एनेक, एनेक्डोटा, एनेक्डोटा ग्रीक वर्ड, ग्रीक से आया है, कौन से वर्ड से मिलकर आया, एनेक्डोटा से, ठीक है। विच मीन्स नॉट अन एकिडोना, ठीक है, विच मीन्स नॉट अन एकिडोना, मीनिंग टू पब्लिश इन 1718, मतलब कब पब्लिश किया गया इस वर्ड को, कब रिलीज किया गया था इस वर्ड को, 1718 में इस वर्ड को रिलीज किया गया था, पब्लिश किया गया था। क्यों पब्लिश किया गया था, इट इज पब्लिश फॉर मेक एनी स्टोरी इंटरेस्टिंग, किसी भी स्टोरी को ना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है। ये किस लिए पब्लिश किया गया था, किसी भी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बहुत सिंपल था, ठीक है, कि भाई किसी भी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाना है तो हमें एनेक्डोट चाहिए, ठीक। तो चलो अब हम इसको एक बार और रिकॉर्ड कर लेते हैं पूरे को, जो हमने आज 3 पॉइंट्स पढ़े हैं आज के, ठीक है। पहला क्या था, मूड, मूड एक टेम्पररी फीलिंग है, मैंने आपको बताया परमानेंट क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा हर समय कुछ कुछ अलग चीज करने का मन करता है, कभी हमारा मन करता है गिटार बजाने का, कभी मोमोज खाने का, कभी लड़ने का, कभी पढ़ने का, कभी किसी चीज का करने का, कभी किसी लड़के से बात करने का या कभी किसी लड़की से बात करने का, हमारा मूड फ्लक्चुएट होता रहता है, वहां पे एक वेरिएशन होता है, वहां पे एक टेम्पररी चीज आ जाती है, इसलिए वहां पे हम क्या यूज करते हैं, टेम्पररी वर्ड को यूज करते हैं, देख लो ध्यान से, ठीक है। मूड हमेशा टेम्पररी होता है, means a mood or means a temporary state of mind, temporary state of mind or a feeling, mood means a temporary state of mind or a feeling, ठीक है, closely related to the concept of effect and emotion, ठीक। अब इसके elements होते हैं, elements कौन-कौन से होते हैं, चार होते हैं, पहला होता है setting, दूसरा होता है imagery, तीसरा tone, चौथा diction, ठीक। अब आ जाओ seventh पे, seventh हमने क्या पढ़ा था, analogy, analogy क्या होता है, analogy जो आया है word वो कहाँ से आया है, Greek के word से आया है, किससे, Greek word से, जिसका क्या मतलब होता है ना, एनालॉजिया, एनालॉजिया वर्ड से आया है, ठीक। और जब हम इसको तोड़ते हैं एनालॉजी को, तो हमें दो शब्द मिलते हैं, क्या, एना और लॉगोस। एने का मतलब क्या होता है, एने का मतलब होता है आपका अपॉन, लॉगोस का मतलब क्या होता है, रेशियो, ठीक है। एनालॉजी का मतलब आप सिंपल ये समझ सकते हो कि जब हम किसी दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं, जब हम किसी दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा, एनालॉजी, तो क्या आ जाता है हमारा, एनालॉजी। अब इसके भी टाइप्स होते हैं, पहला क्या होता है, पहला होता है मेटाफर, क्या होता है, मेटाफर, दूसरा होता है सिमिली, तीसरा होता है एलेगोरी, चौथा होता है पैराबल, ठीक। इसको आप रूपक भी कह सकते हो, एलेगोरी को क्या, रूपक, ठीक है, ठीक। चलो अब हम बात करते हैं एनेक्डोट पे, एनेक्डोट भी सेम ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, वर्ड क्या था जिस वर्ड से ये निकला हुआ है, एनेक्डोटा, ठीक है। मेक एनी स्टोरी इंटरेस्टिंग, मतलब आप ये कह सकते हो एनेक्डोट को किस लिए वो करा गया था पब्लिश, कि वो किसी भी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना दे, किसी भी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना दे। तो ये थे हमारे 3 पॉइंट्स, मूड, एनालॉजिक और एनेक्डोटा, ठीक है। हमने तीनों चीज इस वीडियो में कंप्लीट कर ली है, और जिसने लास्ट वीडियोस नहीं देखी है जाके देखो, ठीक है, रोज नई वीडियोस आ रही है। अब तो लाइव क्लासेस हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, और लाइव क्लासेस के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके आप मुझको डीएम कर सकते हो, मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे, है ना, और जो भी क्वेरी होगी हम वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। बने रहिए यार इसी तरह, प्यार दिखाते रहिए जिस तरह आप इतना सारा प्यार दिखाते हैं, और हम नई नई अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, सी या।